फरुखाबाद पुलिस ने लूट की एक घटना का पर्दाफाश किया है। शातिर लुटेरों ने पुलिस चौकी कादरी गेट के निकट लूट की घटना को अंजाम दिया था। कादरी गेट निवासी श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ 5 जुलाई को गंगा स्नान कर घर जा रहे थे, तभी कादरी गेट चौकी के पास लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए थे। सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया, एसओजी टीम ने पीयूष जो इंदौर गढ़ का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई चेन बरामद हुई है। लुटेरे पीयूष पर लूट गैंगस्टर एक्ट समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं। लुटेरे का साथी पिंटू फरार है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। स्ट्रीट बर्स के लिए फरुखाबाद से रविनंदन मिश्रा की रिपोर्ट। ये दिनांक 5-7 को एक घटना हुई थी पंचाल घाट में, थाना छिटकादी गेट में। दो बदमाश नहा के आने के बाद पंचाल घाट से एक महिला का चैन खींच के भाग गए थे। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया और आज वो सभी की गिरफ्तारी हुई है। जो रहने वाला कन्नौज का है, नाम पीयूष है, इसका एक साथी और है जो कमालगंज का रहने वाला है। दो में से एक गिरफ्तारी हुई है और एक जो इसका चैन है वो बरामद हुआ है। ये अभियुक्त कभी साथी किस्म का है, अब तक जनपदीय है और इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। 19 मुकदमे हैं और भी हम लोग दिखवा रहे हैं। इसमें पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई। इसमें थाना पुलिस और एसओजी की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्कुल है, अब इसमें अभी पहली सफलता है, घटना का अनावरण हुआ है। एक अभी जो गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ 19 मुकदमे हैं और जो दूसरा अभियुक्त है उसके खिलाफ भी 14 मुकदमे हैं और सारे मुकदमे जो है वो लूट के और इस तरह के टेररिस्ट के मुकदमे हैं। ये बहुत साथी किस्म का अपराधी है। इसमें हम लोग और भी कार्रवाई आगे करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम में आज नहीं, देखिए अभी तो अभी मैंने कहा कि अभी शुरुआत है, इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी चीज़ें निकल के आएंगी आपके स्वास्थ्य किया जाएगा।